एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, पीडियाट्रिशियन। आज भी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की डिमांड पर एक और इम्पोर्टेंट छोटा टॉपिक, लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड है कि बच्चे का सिर गोल कैसे करें और क्या कारण होता है कि बच्चे का सिर जो है वो फ्लैट हो जाता है, कई बार पीछे से, कई बार साइड से। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तब तो उसका सिर गोल होता है, तो क्या कारण होते हैं कि बच्चे का सिर जो है वो फ्लैट हो जाता है, और हम पहले से ही क्या सावधानियां बरत सकते हैं कि बच्चे का सिर गोल रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और इससे पहले, अगर हाँ नहीं सब्सक्राइब किया आपने मेरा चैनल, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आई के एम आई चाइल्ड चैनल को। और आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना है तो आप आ सकते हैं डॉकवाइज ऐप पर, और मेरा कोड है डॉकवाइज ऐप के लिए MX93T। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए मदर्स, जब बेबी बॉर्न होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, तो मोस्टली बच्चे का सिर जो है वो गोल ही होता है। लेकिन जो बच्चे की बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, साथ में बच्चे के सिर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक खाली जगह होती है, यानी कि जो बच्चे के सिर की हड्डियां हैं वो पूरी जुड़ी हुई नहीं है। तो इसका मतलब, इस गैप की वजह से बच्चे की जो सिर की हड्डियां हैं वो शेप चेंज कर सकती हैं, क्योंकि वो अभी फिक्स नहीं हुई है। इसलिए अगर आप शुरू से ही ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे का सिर गोल की बजाय फ्लैट हो जाता है, या फिर बोन्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसलिए इसका मतलब कुछ तो हमें केयर के टाइम ध्यान रखना है, साथ के साथ हम हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो सप्लीमेंट देना चाहिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो जो एकदम न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको तो हम फ्लैट पे ही लिटाते हैं, हम कभी पिलो एडवाइज नहीं करते हैं। लेकिन आप बेबी के जो नेक को सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह के यू शेप वाले जो पिलो आते हैं वो बेबी के साइड में आप लगा सकते हैं कि बच्चे का जो सिर है वो अधिकतर सीधा रहे। साथ के साथ आपको क्या है कि बच्चे को पोजीशन भी चेंज करना है। जब आप बच्चे के साथ हैं तो बच्चे को कभी इस करवट पे सपोर्ट कर सकते हैं, कभी इस करवट पे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे बच्चे को जो है हर तरफ जो शेप है वो बराबर, बेबोज को जो है टाइम मिलेगा रेस्ट करने के लिए। और साथ के साथ मैंने टमी टाइम पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो एकदम ही छोटा बेबी है तो आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। उसको देने के जो भी तरीके हैं उसे आपको जाके देखना है टमी टाइम वाले वीडियो पे। तो वो पीरियड बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी बच्चे को बीच बीच में अगर बच्चे के सिर को रेस्ट मिलेगा कि वो हमेशा एक फ्लैट सर्फेस पे नहीं है तो वहां से वो पिचकेगा नहीं। दूसरी चीज, हर बच्चे को जन्म के साथ ही हम लोग रिकमेंड करते हैं एक साल के लिए विटामिन डी ड्रॉप्स आपको जरूर देखना है, 400 इंटरनेशनल यूनिट, तो वो आप जरूर दीजिए ताकि बच्चे की बोन्स जो है वो स्ट्रांग रहे। तीसरी चीज, जब आप बच्चे को मसाज देते हैं तब भी आप बच्चे को शेप जो है बोन्स का, पूरी बॉडी को ही आप शेप करते हैं। उस वक्त भी आप जब मसाज देते हैं तो बच्चे को हेड मसाज इस तरह से दीजिए कि आप उसको राउंड शेप में रखें। देखिए, ये एक तरह का फिजियोथेरेपी ही हो गया, तो जिस तरह से आप बच्चे को शेप देंगे उस तरह का ही शेप बेबी का आगे बनेगा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मसाज तो आप दिन में 1, 2 या 3 बार देंगे, बाकी टाइम बच्चे को आप रख कैसे रहेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम हेड मसाज देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। अपने हाथ को आप राउंड बनाएंगे इस तरह से, दोनों हाथ की जो हथेलियां हैं उन्हें, ठीक है, हल्का सा इनको मॉइस्चराइज कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे, और बच्चे के सिर को इस तरह से पीछे और आगे मैंने गोल ऐसे पकड़ा है, तो इसी हथेली को आप ऐसे करके यूं कर देंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, यूं करेंगे, ऐसे। ये आगे पीछे के लिए हो गया, फिर ऐसे ही आप साइड में कर सकते हैं ऐसे। देखिए डमी, इसलिए मैंने इस तरह से किया है, अगर बेबी हुआ तो आपको बहुत प्यार से करना है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। मैंने अपने बेबी का भी ऐसे ही किया था, और मैं 2 times ही मसाज करती थी। और प्लस जब बच्चे को आप लिटा रहे हैं तो हर पोजीशन में बच्चे को लिटाना है, सिर्फ एक ही पोजीशन में ना लिटाइए। जब बच्चे को फीड कराते हैं तो दोनों आंचल से फीड कराइए ताकि बच्चे का पोजीशन उस टाइम भी चेंज हो। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो बच्चे का हेड जो है हर तरफ से सपोर्ट में आता है, एक ही तरफ से नहीं आता सिर्फ, तो बच्चे का सिर गोल बना रहता है। अच्छा, कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम अब तो फ्लैट हो गया है तो हम क्या करें, तो आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लेट हो चुका है तो फिर वो धीरे धीरे
आगे चल के जब बच्चा बड़ा हो जाता है और पूरा वेट जो है वो पैरों पे ले लेता है, चलता है, तो धीरे धीरे करके लॉन्ग टाइम में वो जो सिर का शेप है वो अपने आप ही गोल हो जाता है। लेकिन एकदम से जो तुरंत आपको ठीक करना है तो वो ठीक होने में टाइम लग सकता है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप शुरू से ही ध्यान दें और बच्चे का सिर गोल ही बना के रखें। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसकी गर्दन स्ट्रांग हो जाती है, 3 months onwards आप सॉफ्ट पिलो जो बेबी सब बेबी के हिसाब से होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं छोटे बेबीज के लिए पिलो, वो आप यूज कर सकते हैं। उसमें बीच में थोड़ी जगह खाली होती है, उसमें ही लिटाना है ताकि जो एकदम फ्लैट हार्ड सर्फेस में बच्चा लेटता है तो वो सिर्फ पिचक जाता है। तो खाली जगह वाला पिलो यूज करेंगे तो उससे बच्चे का सिर जो है वो गोल रहता है। साथ में तो एक चीज होगी, बच्चे को लिटाते वक्त ध्यान रखना है कि बच्चे की नेक को किस तरह सपोर्ट करें, बार बार बच्चे का पोजीशन चेंज करें, बच्चे को टमी टाइम दें और जब बेबी को मसाज दें तो हेड को शेप देते रहें। तो यही 3-4 चीजें आप ऐसे करेंगे तो बेबी का जो हेड का शेप है वो मेंटेन रहेगा। बच्चे को सुलाते वक्त जब आप साथ में हैं तो बच्चे को करवट दिला के सुलाइए, कभी इस करवट में कभी उस करवट में। जब आप बेबी को फीड कराते हैं, जब लेट के फीड करा रहे हैं सिर ऊंचा करके, तो भी आप कभी इस तरफ से बच्चे को फिट करा सकते हैं, कभी आप अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं ताकि बच्चे को जो हेड है वो चेंज होता रहे। और टमी टाइम देने का तरीका तो ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, लेकिन उसमें एक तरीका ये होता है कि आप अपने हैंड पे रेस्ट करा सकते हैं, थाइस पे रेस्ट करा सकते हैं। ये हमेशा ध्यान देना है कि बच्चे का जो नाक कभी मुंह है वो दबा नहीं रहना चाहिए, या अपने बॉडी पर लेकर के भी बच्चे को आप टमी टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको फॉलो करना है तो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जिनका हेड बेबी का परमानेंटली काफी टाइम तक काफी फ्लैट रह चुका है तो उनको तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एक चीज बस ध्यान दें कि उनकी बोन्स स्ट्रांग रहे, और दूसरी चीज वेट करिए धीरे धीरे और शेप देते रहिए, हेड मसाज करते रहिए, विद टाइम थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को कंजनाइटली ही ये प्रॉब्लम होती है कि जब पेट से ही फ्लैट आया होता है, तो उसका तो ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस ये है कि बाकी बच्चे को और कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें इसी पे ध्यान देना है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और बाकी बॉडी डेवलपमेंट तो ठीक है ना। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, मैंने कई सारी चीजें इसलिए बार बार रिपीट की है क्योंकि वही चीजें आपको ध्यान देनी है। इन सब चीजों में अगर लापरवाही हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, अगर हम शुरू से ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज का यही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आगे फॉरवर्ड करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो वॉच करें। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।